सो हाय ओके राखी जी, कैसे हो आप? हाय, मैं ठीक हूँ। दुबई में हूँ, एंजॉय कर रही हूँ। रमजान का महीना है और रोजे भी हूँ। अच्छा, रोजे रखे हैं आपने? मेरी मेरी खुशियों के लिए, और मेरे दुश्मन मुझसे दूर चले जाए इसलिए। और अभी नई फिल्म आ रही है, और खुदा, बिल्कुल हाँ खुदा मुझे एक नई जिंदगी दे, और बिल्कुल एक अच्छा नया, नई लाइफ शुरू हो, इसीलिए मैंने रोजे रख रही हूँ। और रोजे रखने भी चाहिए, साइंटिफिकली रोजे रखने चाहिए। किडनीज को हाँ। आराम मिलता है, किडनीज को आराम मिलता है। राखी जी, पहले मैं आपको बताती हूँ, मेरा नाम आरजे गुंजन है और रेडियो ऑरेंज से हूँ मैं। और मैं शो करती हूँ फिल्म विलम, जिसमें मैं बॉलीवुड की बहुत सारी बातें करती हूँ। चार सिटीज में मेरा शो जाता है, हिसार, करनाल, पटियाला, शिमला। क्या और बात, वैसे हमारे वाह। पास 13 सिटीज हैं रेडियो ऑरेंज में, तो ये जो हमारी बातचीत है वो 13 स्टेशन में सुनाई देगी। ओके थैंक यू, तो अब लेट्स मैं आपसे, रॉक। हाँ जी, कुछ कुछ चीजें पूछूंगी बस आपसे, ठीक है? तो आप वो बताना मुझे। हाँ, लेकिन मैं मेकअप सो करके नहीं आई हूं, मैं सिंपल आई नहीं, हूं, सीधी आप बहुत सा। सुंदर लग रहे हो। वाह नहीं, वाह, सच में लग रहे हो रम। मैं मुझे सभी कहते हैं कि मैं बगैर मेकअप के अप्सरा लगती हूँ, और सही कहते हैं, मेकअप बट करती हूँ मैंने तो। भी मेकअप नहीं किया है, बस ओ लिपस्टिक लगाई है। वाह, तो वैसे स्टार। रमजान का महीना है ना, तो ग्लो वैसे भी आप पे आ गया, फास्टिंग का ग्लो आ रहा है। हाँ, बिकॉज रमजान में ना नाखून बढ़ा सकते, ना कुछ कुछ कर सकते, कुछ कर सकते हैं, हाँ, पाक महीना। इबादत का महीना। बिल्कुल। तो चलिए राखी जी, सबसे पहला जो मैं आपसे अब कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ, ठीक है? आपको बस उसका आंसर करना है। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा जो है वो आपसे ही रिलेटेड है, कि लोग मतलब ऐसे बोलते हैं आप बहुत सारी कंट्रोवर्सीज में आती हो, बहुत लोग जानते हैं आपको, है ना? तो मुझे ये जानना है कि इन रियल लाइफ राखी सावंत जो है वो कैसी पर्सन है, मतलब जैसी आप दिखती हैं वैसी ही हैं, या आपकी कोई एक ऐसी साइड भी है जो लोग नहीं जानते हैं? मैं तो सीधी सादी हूं, एकदम वाटर की तरह, मैं तो पानी की तरह ट्रांसपेरेंट हूं। सोकर उठती हूँ, चाय कॉफी पीती हूँ, प्रेयर करती हूँ। मैं बिलीवर ऑफ जीसस क्राइस्ट हूँ, अल्लाह हूँ, बिलीवर ऑफ गॉड हूँ, और बहुत ही काफी मैं बिलीव करती हूँ रिलीजन में। मैं बहुत ही सीधी सादी हूँ, बहुत ही सिंपल। मेरा सिंपल खाना है दाल चावल, बहुत ही सिंपल खाना खाती हूँ मैं। बिरयानी नहीं खाते? समटाइम्स ओ, समटाइम्स। बिकॉज डाइजेस्ट करने के लिए आपको सिंपल खाना चाहिए, बहुत ज्यादा हैवी खाना नहीं चाहिए। बट हाँ, और अगर हाँ, इतनी अच्छी अच्छी मूवीज करनी है तो उसके लिए तो एकदम फिट रहना पड़ेगा। हाँ वो तो फिट रहना पड़ेगा। लेकिन अब तो रमजान में तो पकोड़े शकोड़े खा रही हूँ, बहुत सारी चीजें खा रही हूँ यहाँ पर। बट ठीक है, वो एक ही टाइम खाना होता है ना, तो चल जाता है। ये पूरा महीना, लेकिन वो बॉडी में बिल्कुल नहीं लग रहा। देखो, लग रहा है क्या मेरी बॉडी में? नहीं लग रहा। विदाउट आपकी बॉडी विदाउट ना एनी वैसे मेकअप भी आई एम सो ब्यूटिफुल। या जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। या ठीक है, तो चलिए राखी जी, ये तो हमें पता लग गया कि जैसी आप हैं वो सबको पता ही है, वैसे तो इसमें कुछ छुपा नहीं है। तो अब मैं आपसे बात करूंगी कि जिस चीज के लिए आप दुबई आए हो, वैसे मैंने सुना है कि आप बहुत ज्यादा शूटिंग में आजकल बिजी हो, टाइम नहीं है। तो आपकी न्यू फिल्म आ रही है ना, तो उसको लेकर आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हो? जैसे आपकी मूवी का नाम इतना यूनिक सा है, वेलकम वेडिंग, तो मतलब क्या सोच कर किस कॉन्सेप्ट से आपने ये मूवी बनाई है, और मतलब क्या ये आपको मूवी थोड़ी सी पुरानी है, कोरोना से पहले स्टार्ट हुई थी। हाँ, कोरोना से पहले स्टार्ट हुई थी, बट कोरोना में आप समझ सकते कितने लोग, बिल्कुल, तो बट ठीक है, प्रॉब्लम्स कोई बात हुआ, नहीं, तो तेरा है दुरुस्त उस आए, बारे में मैं बात नहीं कर सकती हूँ। ऑफ कोर्स, कोई बट बात नहीं। एंड ऑफ द डे ये हमारी फिल्म को प्रोड्यूसर मिल गए, और हमारी फिल्म को अच्छी तरह रिलीज हो रही है। करोड़ों लोगों की, बड़े बड़े स्टारों की फिल्में रिलीज नहीं होती है। आई एम बिल्कुल, सो ग्लैड कि वेलकम वेडिंग, इसका पहले नाम दूसरा था, ओके,
हाँ अलग नाम था, लेकिन अभी इन्होंने नाम चेंज करके वेडिंग के ऊपर बहुत ही अच्छी फिल्म बनाई है, नो एक्चुअली बहुत ही मैंने ट्रेलर कॉमेडी देखा, है। बहुत ही प्यारा ट्रेलर है और आपका जो रोल है वो उसमें वो बहुत ही प्यारा है, तो पता चल रहा है कि बहुत ज्यादा कॉमेडी वाली होने वाली है मूवी। और वैसे भी जिस मूवी में कॉमेडी आप उसमें और मैं कॉमेडी सबको सबको सुहागरात में बुला रही हूँ। स्वयंवर तो पता था, सुहागरात नहीं पता था। वेलकम टू सुहागरात, मतलब कहानी अमेजिंग है। मैं बता नहीं सकती कि हमेशा माँ बाप अपने बच्चे को बोलते कुछ कर ले कुछ कर ले कुछ कर ले दिन रात, लेकिन माँ बाप कभी गलत नहीं बोलते थे। बट मैं एक ही बिल्कुल बात कहना चाहती हूँ आपको कि अपने बच्चों को ज्यादा फोर्स ना करे, वरना जो मेरी फिल्म में बेटे के पिता की हालत हुई वही होगा। आपका बेटा या बेटी अपने माँ बाप को पता बेच देंगे। ओ ठीक है, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है मूवी। इतनी अच्छी स्टोरी है, आप हंस हंस के गिर जाओगे। नहीं मैंने देखा है ट्रेलर, तो बहुत ही सच में बहुत कमाल है। सिर्फ 2 मिनट के ट्रेलर में अगर इतना हंस रहे हैं तो इतनी बड़ी मूवी में तो सच में पेट दुख जाएगा हंस हंस के। एक सीधा साधारण घर में आइटम गर्ल बहू बनकर आती है, न्यू तो मतलब कॉन्सेप्ट माँ अपने बेटे को गोली चला देती है कि भाई तेरे को और कोई लड़की नहीं मिली क्या, एक आइटम गर्ल से शादी कर लिया तूने। बट ठीक है ना, वो भी पता चलेगा कि अमेजिंग कितना यूनिक चीज है कि हाँ ऐसे कोई आइटम यूनिक, गर्ल। आप हंस हंस के गिर जाओगे। हालांकि उसके बाद थोड़ा सा मेरा फेस चेंज हो गया, क्योंकि वो फिल्म के बाद मैं कश्मीर में और एक शूटिंग कर रही थी, कश्मीर में मैं गिर गई थी, उसके बाद मेरी नोज की ये सर्जरी हो गई थी, तो मेरा फेस थोड़ा सा उस टाइम थोड़ी मैं हेल्दी थी उस टाइम पे। हेल्दी हाँ क्योंकि मुझे डॉक्टर ने मना कर दिया था कि जिम विम कुछ करना नहीं है आपको कहीं कुछ, तो थोड़ी सी जी हेल्दी थी उस टाइम, मैं थोड़ी अलग लग रही थी, अभी मैं थोड़ी अलग लग रही हूँ। नहीं, बट आप दोनों ही उसमें सुंदर ही लग रही थी। वो जैसे आप जानते हो कि राखी सावंत वाली बात तो है। हाँ तो चलिए राखी जी, मुझे ये बताइए कि जैसे राजपाल यादव, दर्शन जरीवाल, फरीदा दादी, ये सब है आपकी मूवी में, तो सबसे ज्यादा काम करने में किसके साथ मजा आया आपको? सभी के साथ। राजपाल यादव तो लेजेंड है कॉमेडी के, फरीदा बिल्कुल दादी तो अमेजिंग है, दर्शन जरीवाला जी तो बहुत ही अच्छे हैं, मतलब बहुत अच्छा लगा। और आनंद जी का डायरेक्शन भी बहुत अच्छा है उसमें, हाँ नया 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 लड़का लड़की जो है वो पैर है उनके, जो जो लड़का रहता है, अमेजिंग स्टोरी। एक्चुअली घरेलू स्टोरी है बहुत, हाँ एक्चुअली वही और चीज रियल है कि स्टोरी जब में भी ऐसे कांड हो जाते हैं, ऐसे कांड रियल लाइफ में सब, ये रियल स्टोरी के कांड होते हैं। बहुत ही कांडी है मेरी फिल्म की स्टोरी, अमेजिंग है, लोगों को बहुत पसंद आएगी, इतना के हंस हंस के गिर जाएंगे लोग। पर वो चीज है बट कि ये अगर वक्त मूवी रिलीज में हो जाती, कंट्रोवर्सी ये का इतना पहले धमाल रिलीज ना हो हो। जाती तो बहुत बेटर होता, लेकिन बीच में कोरोना के 2-3 साल आ गए, तो जी मुझे लगता 5-6 साल के बाद ये फिल्म रिलीज हो रही है। बट कोई डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, शूटिंग तो शूटिंग होती है। बिल्कुल बड़े बड़े स्टारों की फिल्म भी जब 10 साल पुरानी होती है तो रिलीज होती है। बिल्कुल बिल्कुल वो चीज मैटर नहीं करती। आपकी फिल्म को क्या रिस्पांस मिलता है, कैसी रहती है, वो ज्यादा मैटर करता है, तो वो कभी भी रिलीज हो। हम खुश नसीब है कि हमें 600, 500 से 600 थिएटर मिले हैं वाओ रिलीज करने के लिए। वाओ, तो हाँ सच में बहुत अच्छी चीज है। सो मेरी तरफ से सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप समझ सकते हैं ना कि स्ट्रगलिंग टाइम पे ऐसी फिल्म मिलना, बिल्कुल बहुत बड़ी चीज है। स्ट्रगलिंग टाइम पे ऐसी फिल्म मिली, और हम जो फिल्म मिली मेन लीड में मैंने कर ली, क्योंकि बिल्कुल मुझे सिर्फ सॉन्ग्स ही मिलते थे, तो मैंने बोला चलो जी कैरेक्टर है तो मैं फाड़ दूंगी, तो मेरे अंदर बहुत फाड़ा है मैंने। जी अभी वो भी ही मेरी तो एक फिल्म बहुत सुपरहिट हो गई है, जैक जी अमेजोन प्राइम पे आप देखिए, जैकी श्रॉफ, मैं और नीना गुप्ता, मस्त में रहने का, सुपर डुपर इंडिया में ट्रेंडिंग नंबर 1 पे है। जी ठीक है, तो चलिए राखी अफसाना जी। खान का मेरा गाना भी सुपरहिट हो गया है, हाँ ओके कॉन्ग्रेट। मोहल्ला। सो अभी एक और चीज मुझे पूछनी है आपसे कि लाइफ में अप्स एंड डाउन सबके साथ चलते रहते हैं, बट लाइफ में ऐसे मेरी जिंदगी में अब कुछ भी नहीं
नहीं है, सब कुछ डाउन डाउन है। नहीं नहीं सब अच्छा अच्छा ही है ऐसा आपको लगता है, बट जो दुनिया आपको प्यार करती है उनको पता है कि बहुत सारी चीजें। पर मुझे एक चीज आपसे पूछनी है कि रियल लाइफ में ऐसी कौन सी एक चीज है जो आपको लगता है कि जब मैं ये कर लूंगी तो तब मुझे सेटिस्फेक्शन हो जाएगी, कि हाँ मतलब एक गोल होता है हर किसी का, तो आपका लाइफ का वो गोल क्या है? मेरी जिंदगी का गोल यही है कि जिन जिन लोगों ने मुझे सताया है उनको खुदा, मेरे एडवोकेट मेरे खुदा है, उनके हाथ में मैंने केस दे दिया है। जिन जिन लोगों ने मेरा मुझे मेरा सत्यानाश कर दिया, मेरी जिंदगी से मेरी माँ को दूर कर दिया, जिन जिन लोगों ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी, खुदा उनको उनके वंश को वही सजा दे। और मेरी जिंदगी का ठीक, गोल है कि पीछे मुड़ के अब देखना नहीं है, आगे बढ़ो और आगे काम करो, बिल्कुल। तो पैसा कमाओ और एंजॉय करो, क्योंकि एक ही जिंदगी है। बिल्कुल, तो जैसी आप हैं आप हमेशा वैसे ही रहना, क्योंकि लोगों का काम है बोलना, लोग बोलते रहेंगे, तो आप बस ऐसे ही ग्रो करते जाओ। मेरी जिंदगी का गोल सिर्फ मुझे अंबानी बनना है, सही है, ये मुझे सबसे सबसे बेस्ट गोल। रिचेस्ट वुमेन और जी बिजनेस वुमेन, और आ जाना है मैं बस। चाहती हूं कि मैं एकदम अंबानी बनूं, इतनी रिचेस्ट बनना है मुझे। जी, ताकि बस किसी को समझ, किसी की सुनने की, कोई बात करने की कोई जरूरत ही ना हो, और बस सिर्फ राखी ना साहब। ना ना, मैं सबको अपनी उंगलियों पे नचाऊं। हाँ, तो तभी ना आप किसी की सुनोगे ना पैसा है मनी सब है कुछ। तो फिर हनी है, सही बात है। तो पैसा ही अंबानी सब कुछ है। बनना है बस आपको। या मुझे सिर्फ अंबानी बनना है, ये मेरा गोल है। बहुत बहुत बढ़िया, क्योंकि यही चीज है ना जो आपको पता है लाइफ में आपको कभी रिग्रेट नहीं करना पड़ेगा जिस ड्रीम के पीछे आपको। हाँ, तो चलिए, और जब बहुत सी अगर चीजें। आपके पास पैसा है तो प्यार भी मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है। पैसा है तो सब है, सही बात है। तो अभी मुझे सिर्फ पैसे कमाने हैं, और जहां चांस बस। मिलता है मैं पैसे कमाती हूँ। पैसे कमाने के मैं एक मौके भी नहीं छोड़ूंगी। छोड़ना चाहिए भी नहीं, आजकल दुनिया सिर्फ पैसे की है। ये मेरा ड्रीम है कि मैं चांद पर 2 बेडरूम हॉल किचन खरीदूं। जी, हम मुझे लगा ही था कि अभी तक ऐसा कोई जवाब क्यों नहीं आया जो मैं राखी सावंत से एक्सपेक्ट कर रही थी। नहीं नहीं ये मेरा पूरा, क्योंकि सलमान खान और शाहरुख ने ले लिया है मेरे ख्याल से। हाँ, बहुत सारे लोगों ने लिया है वहां पर चांद पे, तो एक और नाम, मैंने और मतलब एक नाम राखी सावंत भी होना चाहिए ना वहां पे। ऑफ कोर्स, हाँ हाँ, मैं पहले जाके वहां पे नासा को मैंने लेटर लिखा है, मैं पहले जाके एक बार चांद पर जाके देखना चाहती हूँ कि पानी वानी सब कुछ सही ढंग से मिलेगा कि नहीं। और इसीलिए एक बार, अभी तो कोई भी जा सकता है, पता है ना आपको, हाँ बिल्कुल जी, सिर्फ 600 करोड़ खर्च करने हैं। हाँ ज्यादा थोड़ी है 600 करोड़ करेंगे तो आपको वो रॉकेट में ऊपर भेज देंगे, जी। और ऊपर आप चले जाएंगे तो आप देखकर वापस आ सकते हैं। फिर आप अपने नाम का झंडा लगा के आ जाना, राखी सावंत का ये फ्लैट है, मेरे टू नाम बी के झंडे हर जगह लगते हैं, टू बीएचके तो मैं चांद पे भी अपने नाम के झंडे लगाना चाहती हूँ, टू जी बी एच के लेना चाहती हूँ, जी क्योंकि यहाँ पे तो मेरे पास बहुत सारे 2 BHK, 3 BHK, 1 BHK स्टूडियो है। अगर कभी निकल लिए ऊपर, तो चांद के ऊपर तो फिर रहने के लिए अपना खुद का घर होना चाहिए ना, रेंट पर कब तक रहेंगे आप? जी बिल्कुल। सब कहते हैं मरने के बाद ऊपर जाते हैं, ऊपर जाते हैं, तो ऊपर कहाँ जाते हैं, चांद पे ही जाते हैं, इनको समझ में आना चाहिए। ताकि रिजर्वेशन हो वहां इसीलिए सब लोग चांद पे घर ले रहे हैं, जी क्योंकि अपने अगर हेवन कहीं है तो चांद पे ही है, है जी। क्योंकि वहां पे ग्रेविटी है ना। चांद पे भूख नहीं लगती, नींद नहीं आती, बस उड़ते रहोगे सिर्फ उड़ते रहना तो है। सबका ड्रीम है। मैं तो आई एम द लकीएस्ट पर्सन, मैं धरती पे भी उड़ती हूँ और मैं चांद पे भी उड़ूंगी। जी धरती पर मेरे इनविजिबल मेरे पंख है,
वहां पे तो रियल होगा मेरे, यू कैन यू सी माई दिस फ्लाइंग पंख, दिख रहा आई है कैन मुझे। फ्लाई यस, राखी सावंत इज इनविजिबल ऑलवेज। पंख। जी तो चलिए, आप बस मुझे अब तो आप यही लोग ये वेलकम, वेडिंग जो है मेरा, वेडिंग जो है वो जरूर देखिए सब लोग, अमेजिंग मजा आएगा। आनंद जी का बहुत अच्छा डायरेक्शन है, उन्होंने काफी सारी सीरियलें करी है, मेन मेन जी डायरेक्टर वो बनेगा एकता कपूर की काफी फिल्में, जी और प्रमोशन मैं मुंबई में नहीं हूँ क्योंकि रमजान के टाइम पे मैं प्रमोशन नहीं कर पा रही हूँ, जी क्योंकि मैंने प्रमोशन खुदा के हाथ में दे दिया है। मैंने जी किसी भी फिल्म का, मेरी फिल्म जैकी जी के साथ रिलीज हुई उसका भी प्रमोशन नहीं किया, अफसाना के साथ गाना किया उसका भी नहीं प्रमोशन किया, ये फिल्म का भी प्रमोशन नहीं कर रही हूँ जी मैं। विदाउट प्रमोशन जी लोग मेरी फिल्म को पसंद करते हैं। मैं, मेरी जिंदगी में देखो कैसा दौर आ गया, मैं दूसरों की फिल्मों के लिए प्रमोशन के लिए खड़ी हुई, लेकिन आज जी मेरा दौर आया तो मैं कर नहीं पा रही हूँ क्योंकि मैं दुबई में हूँ, रमजान है और मैं नहीं प्रमोट कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं ऐसे कोई कपड़े नहीं पहनना चाह रही हूँ और ऐसा कुछ बोलना नहीं चाह रही हूँ, क्योंकि इबादत का महीना है और खुदा खुद मेरी फिल्म को प्रमोट करेंगे और मेरे देश की जनता उनको पसंद आएगी और वो जरूर देखेंगे फिल्म को, तो आप जिसका यही, मैं कोई आपको नहीं, वो उसका ही फिल्म जनता है और खुदा है जी, तो मेरा शो और ही रेड फिल्म प्रमोशन, ऑरेंज है। मतलब हाँ, मैं लोगों को बोलूंगी कि ये फिल्म देखें और मैं खुद भी इस पिक्चर को जरूर देखूंगी, क्योंकि इतनी बढ़िया, इतनी कॉमेडी है, तो कॉमेडी किसको नहीं पसंद। बहुत बड़ी स्टारर नहीं है, छोटी बजट की फिल्म है, बट लोगों का कभी पता नहीं कि उनको छोटी बजट की फिल्म भी पसंद आ जाती है। हमारी फिल्म बहुत छोटी बजट की है बट स्टोरी अच्छी है, और आपको उसमें मेरे दो गाने भी अच्छे पर हैं। राखी जी, सबसे बड़ी बात ये है एक्चुअल में कि कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत ज्यादा बजट लगाकर भी वैसी फिल्म नहीं दे पाते जो आप छोटे से बजट में कर सकते हैं। सो बजट मुझे नहीं, मैं आपको बताती हूं कि बड़ा बजट लगा के आपको नींद आ जाती है थिएटर में जी और गुस्सा आता कि मैंने इतना सारा पैसा, हमारी तो बहुत छोटी बजट की, मतलब समझिए कि मैं तो बहुत छोटी आर्टिस्ट अरे हूँ नहीं, और आरासपाल जी तो बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, वो हमारे जो दूसरे जो है दादी और सब। हाँ जी हाँ दूसरे, ये लोग सब बड़े 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 आर्टिस्ट हैं, जी बट मुझे यही कहना कि लोगों को फिल्म इसलिए पसंद आएगी कि उनके पैसे वसूल हो जाएंगे, खुदा जी करे जल्दी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे भी आ जाए तो लोगों जी को जी फ्री बिल्कुल, में देखना मिले। हाँ, और लोग बार बार देख सकें। हाँ, ठीक है, तो मेरी यही बस सच में दुआ है कि आपकी फिल्म बहुत ज्यादा हिट जाए, और सच में जाएगी भी, बहुत प्यारी फिल्म है। सो बस मुझे यही आपसे सवाल करने थे राखी जी, और बस जाते जाते मुझे आपसे एक चीज लेनी है कि आप ये बोल दीजिए कि हाय एवरीवन, दिस इज मी राखी सावंत, और आप मुझे सुन रहे हैं आरजे गुंजन के साथ फिल्म विलम में, कुछ खट्टा कुछ मीठा, बस इतना सा। हाय एवरीवन, मैं हूं राखी सावंत और आप मुझे सुन रहे हैं आरजे गुंजन के साथ फिल्म विलम में, कुछ खट्टा कुछ मीठा।